हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर कौन कौन से बेस्ट कोर्स होंगे और कौन कौन से आपको करने चाहिए और उनका क्या बेनिफिट होता है। तो पूरा डिटेल से आपको गाइड करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोर्स निकाल रखे हैं, लगभग 3 से 4 कोर्स हैं, तो काफ़ी बेस्ट एंड बेस्ट कोर्स माने जाते हैं ये। तो यहाँ पर बात करेंगे एमएससी की। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखी है तो आप लोग यहाँ से एमएससी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है। तो इसको ग्रेजुएशन किया हुआ यानी कि बीएससी किया हुआ कोई भी बच्चा कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो एमएससी का क्या आया कि अगर आप लोग कुछ नया सोचते रहते हैं यानी कि नई टेक्निक सोचते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एमएससी एक बेस्ट कोर्स है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपको यहाँ पर नया नया सीखने को मिलता है, क्योंकि और आपका जो यहाँ पर मस्तिष्क है वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर एमएससी करना चाहिए। काफ़ी अच्छा कोर्स है और इन फ्यूचर आप काफ़ी टेक्नोलॉजी वगैरह जानते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं पीजी डिप्लोमे की। तो पीजी डिप्लोमा आप ग्रेजुएशन वाला बच्चा कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा डिप्लोमा माना जाता है। अदरवाइज आपको बता दूँ इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी बेस्ट बेस्ट कोर्स माने जाते हैं यहाँ पर ये पोस्ट डिप्लोमा यानी पीजी डिप्लोमा। तो अगर आप इन फ्यूचर सोच रखे हैं कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ अलग लाइन चूज करनी है, तो आप यहां से डिप्लोमा कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे डिप्लोमे की काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड होती जा रही है, रिक्वायरमेंट आती रहती हैं। बहुत ही कम लोग आजकल डिप्लोमे की सोचते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डिग्रियों में ही फ़ायदा। नहीं दोस्तों, ऐसे बात नहीं है। तो आप अगर डिप्लोमे करने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा ज़रूर करना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोग एमसीए करने की सोच रखे हैं कि आपको यहाँ पर एमसीए करना चाहिए, तो आप लोग यहाँ से कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बीसीए कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोगों के बीसीए कंप्लीट है तो आप लोग यहाँ से एमएससीए कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है, क्योंकि आपने जो यहाँ पर सिर्फ बीसी के अंदर क्या करते हैं, आप बीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीखते हैं कोडिंग, यानी कि उसकी कोडिंग सीखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कोड दिया जाता है और किस तरीके से वो बन जाता है। लेकिन एमसी के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर बनाना सिखाया जाता है, यानी कि डेवलपमेंट किया जाता है बच्चे को, और किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह डेवलप होती हैं, तो इसके बारे में पूरी तरीके से एमसी के अंदर ज्ञान दिया जाता है। लेकिन बीसी के अंदर इस तरीके से पूरी तरीके से ज्ञान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चे की वो स्टार्टिंग होती है और ये एंड होता है, यानी कि इसलिए स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं सिखाया जाता है, जब एंडिंग आती है तभी बच्चे को सिखाया जाता है। और आपको बता दूँ, इसको कोई भी बीसीए से ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा बिल्कुल आसानी से कर सकेगा, तो बहुत ही आसानी से। अगर आप लोग भी एमसीए करने की सोच रखे हैं तो आपको यहाँ पर एमसीए ज़रूर करना चाहिए, काफ़ी बेस्ट कोर्स माना जाता है यहाँ पर। तो बीई की बात करते हैं यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग लाइन चूज करते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लाइन मानी जाती है, और इसको कोई भी प्लस टू वाला बच्चा कर सकता है। 45% सिर्फ और सिर्फ 45% में प्लस टू किया पास होना चाहिए, और इसके लिए आपको यूपीएसई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल आसानी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छी लाइन है। अगर आप टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग लाइन में ज़्यादा आपका दिल लगता है तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग लाइन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेवलपमेंट करना सिखाया जाएगा, यानी कि लोग चीज़ों को बनाना, जो इंजीनियर लोग काम करते हैं, अलग अलग लाइनें होती हैं,
आप किस चीज़ के इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप किस चीज़ के मोबाइल के इंजीनियर बनना चाहते हो, फ्रिज के, कूलर के, अदरवाइज़ पुल के, जो भी मतलब और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके इंजीनियर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर सभी की अलग अलग लाइनें मिलती हैं। तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाते हो तो काफ़ी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो इतना ही बताना था इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।